Hello students, today we are covering our next topic, that is protein and enzymes, in which we will study about gelatin, casein and proteolytic enzymes. So let's start. हम बात करते हैं proteins की. Proteins क्या होते हैं? तो proteins are all yet another large biomolecules or macromolecules consisting of long one or more long chain of amino acid residues, that is polypeptides. So protein are also building blocks of life. And proteins are formed with the interconnection of amino acid residues when they are connected in a long chain to form proteins. So proteins are most abundant intracellular macromolecule as they are basic structural unit of our various organisms like skin, hair, callus, cartilage, ligament, tendons, and they do regulate the various metabolic reactions in our body through hormones, enzymes and immunoglobulins. They are high organic compounds which are made up of nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen, and they are also fundamental constituent of cytoplasm of the cell. And proteins are the structural element of various body tissues also. Now let's talk about the classification of proteins. So sabse pehle hum baat karenge classification on the basis of structure. तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके फाइबरस प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं? फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं एक लॉन्ग रॉड शेप स्ट्रक्चर जिनमें क्या है, स्ट्रिंग लाइक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में क्या है, टाइटली इंटरबॉन्ड होके एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स फॉर्म कर लेते हैं. नाम से समझ में आ रहा है फाइबरस, तो ये क्या है, आपस में इंटरवीन होके एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फाइबर फॉर्म कर लेते हैं जो कि वाटर में इंसॉल्युबल होता है. फाइबर्स मोस्टली हमारे कहाँ पाए जाते हैं? इन द कनेक्टिव टिश्यूज, इलास्टिक टिश्यूज, हेयर एंड स्किन. एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए कोलेजन, इलास्टिन जो हमारे मसल्स में पाया जाता है, केराटिन जो हमारे हेयर्स में पाया जाता है. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे फाइबरस प्रोटीन्स के. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो ग्लोबुलर के नाम से समझ में आ रहा है ग्लोब लाइक, मतलब कि स्फेरिकल इन शेप होते हैं ये, एंड दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म मोर स्टेबल सस्पेंशंस. ये हमारे स्ट्रक्चरल टिश्यूज में ना प्रेजेंट होकर हमारे ट्रांसपोर्टेशन टाइप के प्रोटीन्स है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं. And they easily move through the body by circulatory system. Example, hemoglobin, that is the protein which transfers the oxygen throughout the body. Next is transferrin. So these are the kind of proteins in which are studied under the classification of structural and shape. Next हम बात करते हैं classification of proteins की. तो इसमें सारे हमारे आते हैं वो proteins जो हमारे सॉल्युबिलिटी और केमिकल कंपोजिशन क्या है उनका, उनके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं उसे. तो सबसे पहले हमारे आते हैं सिंपल प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन कुछ नहीं है, इसमें सिंपल अमीनो एसिड के रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं इसलिए इन्हें नाम दिया गया है सिंपल प्रोटीन्स. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में हमारे अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी अटैच रहते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिनकी वजह से क्या है उन प्रोटीन्स का स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड होता है. सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स. इसमें हमारा न्यूक्लियो एसिड अटैच रहता है हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ विच आर हेल्पफुल इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट हमारा आता है लिपो प्रोटीन्स. लिपो मतलब लिपिड्स, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ये सारे हमारे लिपो प्रोटीन्स. नेक्स्ट हमारा आता है ग्लाइको प्रोटीन्स. सो दीज आर द प्रोटीन्स इन विच द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट. फिर हमारे आते हैं फॉस्फो प्रोटीन जिसमें हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं. फिर हीमो प्रोटीन जिसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट हो, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हमारे साइटोक्रोम्स, ये सारे हमारे हीमो प्रोटीन्स हैं. लास्ट हमारे आते हैं मेटेलो प्रोटीन जिसमें हमारा कोई मेटेलिक आयन प्रेजेंट हो जैसे कि आयरन, जिंक. आयरन में यहाँ एग्जाम्पल है फेरेटिन और हीमोग्लोबिन का, जिंक में एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड केमिकल कंपोजिशन. हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे 3D में देख सकते हैं कि किस तरीके का एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल दिखता है, उसे हम नाम देते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का. देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल एक लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का. सेकेंडरी में आप देख सकते हैं अल्फा हेलिकल में, अल्फा हेलिक्स में जैसे हमने बताया कॉइल फॉर्मेशन होती है. बीटा प्लेटेड में प्रोटीन लाए साइड बाय साइड जैसे कि आप देख सकते हैं. फिर टर्शरी में क्या है, एक 3D फोल्डिंग पैटर्न आता है. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, मोर देन 2 सब यूनिट्स आपस में अरेंज होती हैं.
व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले जो एंजाइम्स जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, वो होती हैं किसी ना किसी एंजाइम के प्रेजेंस में। और एंजाइम हमारे क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं हमारे प्रोटीन्स, मोस्टली प्रोटीन इन नेचर। दे कैटेलाइज द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रेज कैटेलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, लाइक ट्रिप्सिन कैटेलाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे देते हैं प्रोटीन? प्रोटीन फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जैसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हो गए हमारे कोलेजनिन दैट इज प्रेजेंट इन टेंडन्स एंड कार्टिलेज, एंड केराटिन दैट इज प्रेजेंट इन हेयर, स्किन, वूल एंड नेल्स। मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी इनका इंपॉर्टेंट प्लेल होता है, इनका रोल होता है, एंड दे हेल्प्स इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मसल फाइबर्स दैट आर एक्टिन एंड मायोसिन। दे रोल ओवर ईच अदर ट्रांसपोर्टेशन में इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, दे ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स, दे ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स। स्टोरेज, दे आर ऑल्सो बींग यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ स्टोरेज सोर्स ऑल्सो, लाइक केसिन स्टोर्स प्रोटीन इन मिल्क, फेरेटिन स्टोर्स आयरन इन द स्प्लीन एंड लिवर। इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्रोथ हॉर्मोन रेगुलेट्स द बॉडी ग्रोथ। सो दीज आर द सम काइंड ऑफ बेसिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स दैट दे प्ले इन आवर बॉडी। Even fibrinogen or glycoprotein helps in the healing of wounds also. It prevents blood loss and inhibits passage of germs. In the form of antibodies, they are also responsible for our immune response. So these are various kinds of functions of proteins. सबसे पहले बात करते हैं जेलेटिन की। तो जेलेटिन जनरली हमारा डिराइव किया जाता है फ्रॉम कोलेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस एनिमल बॉडी पार्ट्स। और कॉमनली इसको जेलिंग एजेंट्स में इन द फूड, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, विटामिन कैप्सूल, फोटोग्राफी और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो जेल फोम, पर्गागेल और जिलेटियम के नाम से ये पाया जाता है। सोर्सेज की बात की जाए तो जनरली ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। जनरली डिराइव किया जाता है फ्रॉम द स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट एंड बोन्स ऑफ ऑक्स। बॉस्टोरियस लिन शीप में, जैसे ओवीस, इरीज लिन, एंड ये सब बिलोंग करते हैं टू द फैमिली बोविडेई। फिर इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जनरली हमारा कलरलेस टू स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, और ये जनरली हमारा ट्रांसपेरेंट बिटल होता है, और ये शीट्स की फॉर्म में अवेलेबल रहता है हमारा। फिर प्रैक्टिकली ये ओडरलेस और टेस्टलेस होता है, लेकिन जनरली जब इसे हम वाटर के अंदर रखते हैं तो ये स्वेल हो जाता है एंड एब्जॉर्ब अराउंड 5 to 10 times ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, और एक जेल टाइप का बना लेता है सोल्यूशन में बिलो 35 to 40 degrees Celsius। जनरली सॉल्युबल होता है हमारे हॉट वाटर, ग्लिसरॉल, एसिटिक एसिड में, और कोल्ड वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल हमारा रहता है ये। फिर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है जनरली, और स्टेबल रहता है अंडर ड्राई कंडीशंस, बट सम केसेस में बैक्टीरियल अटैक के लिए प्रोन रहता है व्हेन मॉइस्ट और या सॉल्यूशन फॉर्म में हो। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो जेलेटिन के अंदर जनरली ग्लूटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं, जैसे ग्लाइसिन 25.5%, एलेनिन 8.7%, वेलिन 2.5%, ल्यूसिन 3.2%, आइसोल्यूसिन 1.4%, सिस्टीन एंड 16.1% अराउंड, मीथियोनिन 1%, टायरोसिन 0.5%, स्पार्टिक एसिड 6.6%। ये सारे अमीनो एसिड्स के मिक्सचर इसके अंदर मिलते हैं हमको। फिर इवेल्युएशन की बात की जाए तो हम इसका अगर 1 gram हीट किया जाता है सोडियम लाइम तो अमोनिकल स्मेल प्रोड्यूस करता है ये, उसके तरीके से इसको इवेलुएट किया जा सकता है। इवन ऑन ट्रीटिंग द जेलेटिन विद पिक्रिक एसिड येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फिर ऑन ट्रीटिंग जेलेटिन विद मर्क्यूरिक नाइट्रेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो जनरली हमारा ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम हीट देते हैं थोड़ी सी। तो बात करें यूजेस की तो यूजेस में ये जनरली यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, सपोजिटरीज, कैप्सूल, पिल कोटिंग्स, जेलेटिन स्पॉन्ज।
फिर से सस्पेंडिंग एजेंट, टैबलेट बाइंडर, कोटिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, थिकनर, टेक्सचराइजर इन फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो इनिबिट्स क्रिस्टलाइजेशन इन बैक्टीरियोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर्स। फिर से सब्सटीट्यूट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है फॉर ब्लड प्लाज्मा। जिंक जिलेटिन को जनरली यूज़ किया जाता है फॉर टॉपिकल प्रोटेक्टेंट के तौर पे। ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन जनरली व्हीकल के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सपोजिटरीज। नेक्स्ट बात करते हैं केसीन की। तो केसीन एक जनरली हमारा प्रोटीन होता है जो हमारे इसी कैटेगरी में स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स की कैटेगरी में आता है। एंड इट इज़ द मेन मिल्क प्रोटीन जो हमारा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का है। एंड सोर्सेज की बात की जाए तो इट इज़ द मेन फॉस्फो प्रोटीन इन मिल्क कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 3% ऑफ मिल्क। एंड इट फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ द मिल्क। फिर हमारे मार्केट के अंदर दो तरीके के केसीन अवेलेबल हैं, एसिड केसीन और रेनेट केसीन। एसिड जो जनरली हमारा यूरली डाइल्यूट एसिड है, लाइक वार्म स्किम्ड मिल्क जो एसिडिफाइड है व्हेन दे आर सेपरेटेड एंड कर्ड इज वॉश रिपीटेडली मेनी टाइम्स। फिर उसको ड्राई करके पुलवराइज करके यूज कर लिया जाता है। रेनेट केसीन में क्या है, स्किम्ड मिल्क होता है जिसको हम ट्रीटमेंट करते हैं एक एंजाइम के साथ, फिर रेनेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। प्रिपरेशंस की बात की जाए तो स्किम मिल्क को जनरली हम द सोर्स ऑफ केसीन बोला जाता है एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग थ्री ऑफ द मेथड, एसिड केसीन, रेनेट केसीन और नेचुरली सोर्स केसीन। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे कर्डल्स होते हैं अपॉन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क शुगर बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसी, ये नेचुरली सोर्स होता है हमारे केसीन का। फिर एसिड केसीन होता है हमारा जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। रेनेट केसीन में हम जनरली वार्म स्किम मिल्क लेते हैं अराउंड रेनेट एक्सट्रैक्ट, फिर इसको हम रेस्ट पे रखते हैं टू फॉर्म कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्लॉट्स। इन क्लॉट्स को कट किया जाता है स्मॉल पीसेज में एंड देन दे आर ड्रेन्ड। बात की जाए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तो केसिन हमारा मेल कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है प्रोटीन के तौर पर इन द मिल्क एंड इट इज फॉस्फो प्रोटीन कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप। जनरली हमारा बॉन्डेड रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ विद फ्यू ऑफ द अमीनो एसिड साइड चेन। केसीन जनरली हमारा मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम केसीनेट एंड थ्री सिमिलर प्रोटीन अल्फा बीटा और काफ कापा केसीन, जो जनरली हमारे प्रेजेंट होते हैं टू फॉर्म अ मिसेल। अल्फा बीटा केसीन जनरली हमारा वाटर में इंसॉल्युबल रहता है एंड आर सॉल्युबलाइज बाय मिसेल सराउंडिंग देम। कापा केसीन एज अ हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो सोल्यूबलाइज हो कर देता है हमारे अदर टू प्रोटीन्स को बाय प्रोमोटिंग फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ मिसेल्स। यूजेस की बात की जाए तो जनरली इसको यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइंडर्स, एडेसिव्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, प्लास्टिक्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्लूज, पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड मैनमेड फाइबर्स। बात करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स और प्रोटीएज, प्रोटीनेज और पेप्टिडेज, ये जनरली वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्या है लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, जिसे हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, जो फर्दर हमारे अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं। तो प्रोटोलिटिक एंजाइम जनरली हमारे क्या है एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं एंड दे रिसाइड इन बैक्टीरिया, सम एल्गे, वायरस एंड प्लांट्स ऑल्सो। तो जितने भी हमारे प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द साइट्स जहाँ पे वो क्लीवेज करते हैं, मतलब जहाँ पे वो कैटालिसिस करते हैं। टू मेजर टाइप्स हैं एक्सोपेप्टिडेज दैट एक्ट ऑन द प्रोटीन एट द टर्मिनल एंड्स एंड एंडोपेप्टिडेज जो हमारे के टारगेट साइट्स पे विद इन द प्रोटीन काम करते हैं। एंडोपेप्टिडेज जितने भी हमारे हैं वो हमारे एक्ट करते हैं थ्रू कैटालिटिक मैकेनिज्म, मतलब कैटालिसिस के थ्रू काम करते हैं, इंक्लूडिंग एस्पार्टिक एंडोपेप्टिडेज, सिस्टीडीन एंडोपेप्टिडेजेस, ग्लूटामिक एंडोपेप्टिडेजेस, मिटाइलो एंडोपेप्टिडेजेस एंड थ्रियोनिन एंडोपेप्टिडेजेस। अगर बेस्ट नोन प्रोटीलिटिक एंजाइम की बात की जाए तो वो जनरली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्टमक पेप्सिन जो हमारा गैस्ट्रिक एंडोपेप्टिडेज है जो इनिशियली प्रोटीन की तरह काम करता है। तो प्रोटीन हमारे क्या है प्रोटीन मटेरियल्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते हैं जहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं इन द स्टमक, ये जनरली अटैक होते हैं बाय पैनक्रियाटिक प्रोटीलिटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स हमारे सिक्रेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू इनएक्टिवेटेड प्रीकर्सर लाइक ट्रिप्टिनोसिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन,
एलास्टेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जनरली प्रोड्यूस होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स के अंदर। तो ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है टू एन एंडोपेप्टिडेज ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम, जो जनरली हमारा सिक्रीट होता है इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ट्रिप्सिन फॉर्म हुआ वो एक्टिवेट करता है हमारा प्रीकर्सर्स ऑफ काइमोट्रिप्सिन, एलास्टेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो एक्टिवेट होने पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं फ्री अमीनो एसिड्स में, और ये फाइनली जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर। लेकिन पेनक्रियाज हमारी क्या, ट्रिप्सिन लिमिटिंग प्रोटीन भी रिलीज करती है, जिससे कि क्या है, वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम ऑटो डाइजेशन।